जम्मू कश्मीर से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव के अमरनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में काफी महत्व माना गया है। हर साल जुलाई से अगस्त महीने के बीच यानी श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु अमरनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा खास इंतजाम कराए जाते हैं। मंदिर के रास्ते में कई बार आतंकी हमले भी होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल बड़ी संख्या में भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए जरूर जाते हैं। ऐसा क्या है जो भक्तों को इस मंदिर से जोड़े रखता है इतना कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दर्शन को जरूर आते हैं? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अमरनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अमरनाथ मंदिर हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक भगवान शिव से जुड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ की गुफा में आज भी महादेव वास करते हैं। अमरनाथ की गुफा में हर साल खुद से ही हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस शिवलिंग को बनाने के लिए किसी तरह की मानवीय कोशिश नहीं की जाती। अमरनाथ की गुफा के भीतर न केवल हिम शिवलिंग का चमत्कारी निर्माण होता है, साथ ही और भी कई चमत्कार यहाँ देखे जा सकते हैं। हर साल गुफा में खुद से ही बर्फ से 4 से 5 आकृतियों का निर्माण होता है। ये आकृतियाँ विभिन्न देवी देवताओं की होती है। गुफा में बनी आकृतियों में से एक तो भगवान शिव यानी बाबा अमरनाथ की होती है। इसके अलावा भगवान गणेश, माता पार्वती संग अन्य देवी देवताओं से मेल खाती आकृतियां भी रूप लेती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाला भक्त काशी के विश्वनाथ से 10 गुना और संगम प्रयाग से 100 गुना अधिक फल को प्राप्त करता है। उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग के बाद कबूतरों के एक जोड़े की उपस्थिति भी एक तरह का रहस्य है। कोई नहीं जान पाया कि ये जोड़ा कितना पुराना है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब उस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी उपस्थित था, जिसने वो पूरी कथा सुनी और हमेशा के लिए अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। मान्यता है कि रक्षा बंधन के पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान शिव मंदिर में पधारते हैं, इसलिए इस दिन गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास छड़ी मुबारक भी स्थापित की जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी भोलेनाथ के अमरनाथ मंदिर और गुफा की। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले, और ऐसी ही रोचक जानकारी वाली और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।